हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी के पार्ट 9 अगर पेड़ भी चलते होते नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पार्ट 9 अगर पेड़ भी चलते होते। सबसे पहले हम इस कविता का को पढ़ेंगे और साथ साथ उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। इस कविता में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर ये जो हमारे आसपास पेड़ हैं, ये सारे पेड़ चल रहे होते तो कितना मज़ा आता। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। हम उनके तने में रस्सी बांधकर उनको हम जहाँ चाहे वहाँ ले जाते। जहाँ हमें जाना हो, हम उनको उनके तने में रस्सी बांधी और उनको लेके चल दिए। जहाँ कहीं भी धूप सताती, सताना मतलब परेशान करना। जहाँ कहीं भी हमें धूप परेशान करती, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमारे साथ हम अपने पेड़ को ले जा रहे हैं और रास्ते में हमें धूप परेशान कर रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो उसके नीचे हम छिप जाते, तो पेड़ के नीचे हम छिप जाते, बैठ जाते, तो हमें धूप परेशान नहीं करती। भूख सताती अगर अचानक, और मान लो हमें भूख परेशान करने लगती, भूख लगने लगती बीच रास्ते में, तोड़ मधुर फल उनके खाते। तो हम क्या करते, तो हम पेड़ों के फल तोड़कर खा लेते, जिससे हमारी भूख शांत हो जाती। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, या फिर कभी कभी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, बारिश होती है तो कीचड़ हो जाती है। तो बच्चे कह रहे हैं आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उनके ऊपर चढ़ जाते। अगर कहीं बाढ़ और कीचड़ आ जाती तो हम क्या करते, हम जल्दी से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते। तो चलिए अब इस पार्ट के हम शब्दार्थ देखते हैं। सताती मतलब परेशान करती, मधुर मीठे, अचानक सहसा या फिर एकाएक, झट जल्दी या शीघ्र। चलिए अब इस पाठ के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। धूप से बचने के लिए हम क्या करते, धूप से बचने के लिए हम पेड़ की छाया में छिप जाते। ऐसे 5 पेड़ों के नाम लिखिए जो हमें फल देते हैं। बताओ अच्छा आप लोग, कौन कौन से पेड़ हमें फल देते हैं। आम, जामुन, केला, पपीता, अमरूद। कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे कहीं भी ले जाते। सही शब्द चुनकर लिखिए। हमें भूख लगती है, पेड़ बड़ा होकर फल देता है, धूप अच्छी लगती है, पत्ती हरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उदाहरण के अनुसार उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। मतलब इस जो धूप, धूप का उल्टा क्या होता है, छाया। उल्टे अर्थ वाले शब्द इनको हम और क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। तो धूप का छाया, पास का दूर, कम का ज़्यादा, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, चढ़ना उतरना, आगे पीछे, दिन रात।